Welcome to all dear students. This is me, Ms. Fauke Kawal from Beharia College, Green Campus. Now let's start today's topic. Today's topic is learn to use the dictionary and learn to listen. So let's start with our first topic. Do you have any idea about students? What does abbreviation means? Abbreviation ka matlab kya hota hai? Okay, I will tell you. A shortened form of a word or phrase. It's mean kisi bhi word or phrase ka ek short form. Just like you can see here an example, Monday. Monday ko aksar hum short form mein M-O-N mon likhte hain. Same as with January. January ka short form hai Jan. And mount, M-O-U-N-T, mount means empty. It means pahad. So, these are the abbreviations. Now let's see what are the abbreviations we use in this exercise. In this exercise, you can see some short forms. For example, number one, MR, it stands for Mr. Number two, MRS, it stands for Miss Is. Number three, MS, it stands for Miss. Number four, DR, it means Doctor. Number five, ST. ST means Saint, yani ke Buzurg, or Street. Ab hum ye dekhte hain ke ye words hum कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और किन नेम से पहले यूज़ करते हैं. जी, तो मिस्टर, मिस्टर हम यूज़ करते हैं बिफोर अ मैंस नेम, किसी भी मैन के नेम से पहले, लाइक मिस्टर अली, मिस्टर रेहान. नंबर टू इज मिसेस. मिसेस यूज़ करते हैं हम बिफोर अ मैरिड वुमेन, यानी किसी मैरिड वुमेन के नेम से पहले, लाइक मिसेस अली, यानी कि जो अली की वाइफ होंगी. नाउ नेक्स्ट इज एम एस. एम एस मीन्स मिस. वी कैन यूज मिस बिफोर अ वुमेन नेम हु इज़ नॉट मैरिड. नेक्स्ट इज डॉक्टर. वी यूज दिस शॉर्ट फॉर्म बिफोर अ नेम ऑफ अ डॉक्टर. किसी भी डॉक्टर के नेम से पहले हम ये शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, लाइक डॉक्टर इम्तियाज, डॉक्टर Ali. Now last is scent or street. इनके दो meanings हैं. इसे हम use करते हैं before a scent, यानी किसी भी बुजुर्ग के name से पहले, और street number से पहले. अक्सर आपने addresses में street की short form देखी होगी. जी, ये तो थी हमारी abbreviations. अब हम चलते हैं अपने next topic की तरफ. So are you ready? So this is your next topic. Listen to the information about Nimra Saleem and find answers to these questions about her. इस information को सुनने और देखने के बाद कुछ आपको questions के answer दिए जाएंगे जो कि आपको solve करने हैं Nimra Saleem के बारे में. जी, Nimra Saleem कौन थी? Nimra Saleem भी नज़ीर साबिक की तरह एक famous mountaineer थी, ठीक है? So आइए इनकी जर्नी के बारे में कुछ जानते हैं. Nimra Saleem was born in Karachi. Nimra Saleem कराची में पैदा हुई. She completed her schooling in Karachi. इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कराची से ही हासिल की. After that, she went to study at Columbia University in New York. इसके बाद Nimra Saleem ने आला तालीम न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हासिल की. Nimra has many talents. She has made her name as a poet, as a musician and as an artist. Nimra एक शायरा, एक मौसीकार और एक आर्टिस्ट भी रह चुकी हैं. Nimra also loves adventures.
निम्रा को मुहिमजोई बहुत पसंद है। इन 2007 शी बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू रीच द नॉर्थ पोल। 2007 में आप पाकिस्तान की पहली खातून बनी जिन्होंने नॉर्थ पोल सर किया। एंड नेक्स्ट ईयर शी ऑल्सो रीच टू द साउथ पोल। और अगले ही साल आपने साउथ पोल को भी सर कर लिया। दीज बोथ जर्नीज वर नॉट ईजी फॉर हर। ये दोनों सफ़र इनके लिए आसान ना थे। बट निम्रा इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव पर्सन। लेकिन आप बहुत ही बहादुर और मजबूत रही। इन 2008 शी डिड समथिंग नो वन हैड एवर डन बिफोर। 2008 में आपने कुछ ऐसा किया जो आपसे पहले आज तक किसी ने ना किया। शी टुक पार्ट इन फर्स्ट एवरेस्ट स्काई डाइव। आपने पहली बार फजाई करतब में हिस्सा लिया जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा थी। सिंस चाइल्डहुड निम्रा वॉज फैसिनेटेड बाय स्पेस। शी गॉट हर फर्स्ट टेलीस्कोप व्हेन शी वॉज 14 ईयर्स ओल्ड। बचपन ही से आप फिज़ा से बहुत मुतासिर थीं, लिहाजा आपने बहुत कम उम्र में यानी 14 साल की उम्र में ही अपना पहला टेलीस्कोप खरीदा। इट वॉज हर ड्रीम टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। आपका ये ख्वाब था कि आप एस्ट्रोनॉट यानी खलाबाज बने। नाउ शी हैज़ बीन सेलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ वर्जन गैलेक्टिक फाउंडर्स क्लब इन दुबई। अब आपको सेलेक्ट किया गया है एज अ मेंबर ऑफ द वर्जन गैलेक्टिक फाउंडर्स क्लब इन दुबई में। शी हैज़ कम्प्लीटेड हर ट्रेनिंग इन द USA। आपने अपनी बाकी की ट्रेनिंग भी USA से कम्प्लीट की। शी विल बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट टू ट्रेवल इन टू स्पेस। आप पाकिस्तान की पहली खातून बनी जिन्होंने स्पेस में सफ़र किया। निम्रा की फैमिली और फ्रेंड्स आप पर बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं। आप ना सिर्फ पाकिस्तानी ख़वातीन की बल्कि तमाम नौजवान नस्ल के लिए एक रोल मॉडल भी हैं। जी तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। नाउ अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ निम्रा स्टडीड एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन डैश। ऑप्शन ए कराची, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी दुबई। जी हाँ, निम्रा ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की जो कि न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टैलेंट्स डज निम्रा हैव। निम्रा में कौन कौन से टैलेंट्स हैं? यस, शी इज़ अ पोएट, म्यूजिशियन एंड एन आर्टिस्ट। वो एक पोएट, एक म्यूजिशियन और एक आर्टिस्ट भी हैं। What are Nimra's 3 achievements? Nimra ki koi si 3 achievements bataiye. She has been to the North and the South Pole. Aap jo hai wo North aur South Pole ki pehli khatoon hain. And has skydived from a height of greater than Mount Everest. Aur aapne fizai kartab bhi kiya jiski unchai Mount Everest se bhi zyada hai. Now question number 4 is Nimra's childhood dream was to become a dash. ऑप्शन ए एन एस्ट्रोनॉट, ऑप्शन बी अ माउंटेन क्लाइंबर, ऑप्शन सी अ स्काई डाइव। सो द राइट आंसर इज एन एस्ट्रोनॉट। क्वेश्चन नंबर 5 इज निम्रा सलीम कंप्लीटेड हर ट्रेनिंग टू ट्रेवल इनटू स्पेस। इट्स ट्रू और फॉल्स? यस, इट्स ट्रू। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। Bye-bye. Take care.